ना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नमस्कार, मैं निधि सर आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज 50वां वीडियो आपको मिलने वाला है, और ये 50वां वीडियो में कोई क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ने के बाद हम लोग ट्रिक ढूंढेंगे कि बहुत 1 से 2 सेकंड में किसी भी चीज को कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग अपने पढ़ने और पढ़ाने की इस क्लास में नाउन से स्टार्ट करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि केवल 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हम लोग नाउन को कैसे पहचानेंगे। देखिए, ये बोलना बहुत ही आसान है कि 1 सेकंड में आप नाउन को पहचानो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहने की बात नहीं है, आज का इस क्लास को देखने की बात है कि आप देखते ही आप नाउन को पहचान जाइएगा। बिल्कुल आप 1 सेकंड में, मैं आपको 8 से 10 ऐसे कुछ चीज बताऊंगा वर्ड, जो आप देखते के साथ ही पहचान जाइएगा कि नाउन कैसे पहचाने। आइए हम बात करते हैं इस चीज पर, आप हमारे साथ बने रहिए। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी 3 चीज को सीखेंगे, और इसी 3 चीज में आपको क्लियर हो जाएगा नाउन कैसे पहचाने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बनिए। देखिए, अब मान के चलिए यहां पे कोई एक वर्ड होगा, और वर्ड के एंड में यानी अंत में, वर्ड के एंड, माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल फोकस यहां पे होना चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं, लिखते हैं इमोशन, ठीक है, इमोशन लिखें, और इमोशन का अंत में आईओ एन हो, देखो है ना, ईएमओ टी आई ओ एन। जैसे ही हम बात किए इमोशन ION, अगर जिस शब्द के अंत में ION मिल जाए, आप वो नाउन कह दो। फिर से सीखना इस चीज को बहुत ध्यान से। अगर कोई वर्ड हो, वर्ड के अंत में ION हो, देखो यहां है ना लिखा हुआ ION, जैसे ही ये मिल जाए नाउन होगा। देखो ION, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी एक चीज क्लियर। अब दूसरी हम बात करेंगे, कोई शब्द होगा, शब्द के अंत में NE SS होगा, शब्द के अंत में क्या होगा, NE SS। तो बात करते हैं इसका, जैसे देखिए यहां पे NE SS, रिचनेस, RICH NE SS, रिचनेस NE SS होगा, वो भी क्या होगा, नाउन होगा। थिकनेस NE SS, नेस, ये भी क्या होगा, नाउन। तो मैंने आपको 2 चीज सिखाया, फिर से एक बार सीखिए, वर्ड के अंत में ION हो, नाउन, वर्ड के अंत में NE SS हो, वो भी क्या होगा, नाउन। तीसरा कॉन्सेप्ट सीखिएगा, वर्ड होगा, वर्ड के अंत में इंड में समाप्त होने पर MENT हो, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, MENT, अगर MENT मिल जाए वो भी नाउन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, नाउन हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आ रहा होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए अगला क्वेश्चन को और अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए दूसरा भी स्लाइड आपके सामने दिख रहा है। अब बाबू हम लोग बात क्या करेंगे पता है, अब हम लोग चौथा चीज को सीखेंगे। तो आइए इस चौथा चीज को सीखते हैं, बहुत आसान है। फिर कोई वर्ड होगा, ठीक है, कोई एक वर्ड होगा, जैसे मान के चलते हैं क्वालिटी, क्या है ये, क्वालिटी। अब देखिए वर्ड होगा, और वर्ड के अंत में आपको क्या बता रहा है, ITY, क्या बता रहा है, ITY। यदि ITY मिले, बिल्कुल रुको, अगर ITY मिले ये भी नाउन, क्वालिटी, रियलिटी। अब देखो फिर वर्ड होगा, वर्ड के अंत में ICE होगा, क्या होगा, ICE होगा, प्रैक्टिस ICE, एडवाइस ICE, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए वर्ड होगा, बाबू बिल्कुल एकदम ध्यान देकर यहां सीखना, 2 चीज हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ANCE, या फिर हो सकता है ENCE, समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं, ANCE या ENCE, इंपोर्टेंस या यहां इंटेलिजेंस, देखो इसमें ENCE, इसमें ANCE, बात बिल्कुल पानी और दूध की तरह साफ है, ठीक है, और समझने के बाद बिल्कुल शीशा की तरह आपके चेहरे पे चमक है। आइए लास्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बात खत्म कर देंगे। आइए देखिए,
चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे 7, 8 और 9 नंबर का। अब देखिए फिर वही चीज है, कोई वर्ड होगा, वर्ड के अंत में एच डबल ओडी मिलेगा, वुड मिलेगा। वर्ड होगा, वर्ड के अंत में क्या होगा, एच डबल ओडी। वर्ड के अंत में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एच डबल ओडी। जैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एच डबल ओडी मिल रहा है। जिस शब्द के अंत में एच डबल ओडी मिले वह भी नाउन होता है। अब देखिए वर्ड है, वर्ड के अंत में टी यू टी ई, इंस्टीट्यूट, सब्स्टिट्यूट, सारे के सारे नाउन है, ठीक है। अब देखिए वर्ड प्लस टी यू डी, एटीट्यूड, लेटिट्यूड, एटीट्यूड, लेटिट्यूड, ये सारे के सारे क्या है, 10 नंबर 10 नंबर। मैं तुरंत आपको दिखाता हूं, चलिए आपके सामने ये रेडी रहा। 10 नंबर लास्ट सीख लीजिए, वर्ड प्लस टी एच, वर्ड प्लस टी एच, हेल्थ, वेल्थ। आपने देखा अभी मैंने आपको 10 ऐसा तरीका बताया जिससे आप नाउन को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्या रहा आपका, टीएच। कोई शब्द होगा, शब्द के अंत में टीएच होगा, वो भी आपकी नाउन की श्रेणी में ही रखा जाएगा, हेल्थ और वेल्थ। फिर रहा टी यू डी, एटीट्यूड, लेटिट्यूड, फिर रहा एच डबल ओडी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, फिर रहा एएनसी या ईएनसी, इसी तरह से बहुत सारे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, आपको मैं टोटल 10 टाइप बताया नाउन का। कल जब हम आएंगे तो सेंटेंस लिखेंगे बड़ा बड़ा सा और उसमें पकड़ेंगे कि सर ये कौन सा नाउन है और कहां पे इसका यूज है। उससे पहले मैं कल फिर क्वेश्चन लेके आपके सामने आऊंगा, एक या 51 नंबर के ये वीडियो में। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तब तक कर करें जब तक आप इस पूरे वीडियो को समझ न लें। तो मैं नीतीश आपको फिर एक बार अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ और इसी तरह से मुझे आप आशीर्वाद देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।